हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा नौवीं ब्रज कोर्स विषय हिंदी। इसमें हम चैप्टर पानी रे पानी पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। इससे पहले के कार्य पत्रक आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर को पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद है जो प्रश्नों के क्या करेंगे हम उत्तर देंगे। सबसे पहले देखिए कहाँ से आता है हमारा पानी, हमें सोचना है कि वो जो पानी है वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर या सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ में। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा गांव, हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपनी चारों तरफ का पानी उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बनकर पानी में बदलती है और फिर इन्हीं तीरों की सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में मिल जाती है। ये जल चक्र पूरा होता है कैसे, जैसे माना है जो समुद्र है, क्या है, समुद्र है, नदी है। यहाँ से जो सूर्य है, सूर्य के क्या प्रकाश पड़ेगा समुद्र पर, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जो सूर्य का ताप है इसके द्वारा जो यहाँ की क्या बनेगी, भाप बनेगी, भाप बनेगी, भाप बनकर संघनित होकर क्या बनती हैं यहाँ ऊपर बादलों का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। जब बूंद भारी हो जाती हैं और अपने वजन को सह नहीं पाती तो ये धीरे धीरे नीचे आकर के क्या करती हैं, अब बरसात होने लगती है। जो बर्ष नदियों के द्वारा क्या होता है, नदी है जो फिर आगे जा कर के समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से क्या हुआ है, जो जल चक्र के जो चित्र हैं वो भूगोल की किताब में बने रहते हैं। अब देखिए यह तो हुई जल चक्र की किताब की बात। अब हम तो सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलने से पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब बिना समय के आ जाता है, कभी कभार, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है, कैसी, तू तू मैं भी होने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाती है। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ क्या हो जाता है, बह जाता है और केवल चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। शहर में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करती हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल की भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनक कर मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर था ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन की लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर दिया, भरकर समतल कर दिया। देखते ही देखते इन पर तुम कहीं मकान, कहीं बाजार
स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है, जो हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में नल सूख गए, हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, मतलब पानी को क्या करें, संरक्षित करें, बचा करके रखें, बर्बाद ना करें। और जब बरसात हो तो हमें क्या करना है, संरक्षित करना, जैसे सूख पेट गड्ढा बना दें। अपना भूजल भंडार क्या करना है, सुरक्षित करना है, और अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया यदि हमने, तो पानी के जल चक्र में हम क्या हो जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। इस प्रकार है जो पानी रे पानी जो पाठ है उसको हमने पढ़ा। अब देखिए कार्यपत्रक है जो यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द यहाँ जो आपको टीचर बताए तो वो शब्द यहाँ पर लिख लेने हैं। कार्यपत्रक दो, इसमें क्या लिखा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उनकी अर्थानुसार रिक्त स्थानों में लिखना है। कोष्टक में जो शब्द दिए जाएं उनको क्या करना है, उनकी अर्थ के अनुसार रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे यहाँ लिखा है सूरज का तेज, सूरज का यहाँ कौन सा शब्द आएगा, तेज, या नीचे जाके नीचे नुक्ता लगा है वो वाला आएगा। तो यहाँ सूरज का तेज नुक्ता वाला आएगा, चारों ओर बिखरा हुआ है। अब यहाँ देखिए गीता खेल में बहुत, यहाँ बिना नुक्ता वाला तेज है, गीता खेल में बहुत तेज है। छत में चढ़ने के लिए जीना चाहिए, क्या है यहाँ पर नुक्ता वाला आएगा, जीना, वह तो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है। तीसरा, उसने वह पुस्तक नीचे वाले खाना या नुक्ता वाला खाना, तो यहाँ नुक्ता वाला आएगा खाना में रखी है। अब नीचे क्या है, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने अभी तक क्या खाना नहीं खाया। चौथा है इस किले का राज, कौन सा नुक्ता वाला भरेगा, भरा जाएगा यहाँ पर, इस किले का राज कोई नहीं जानता। अगला है अंग्रेजों ने भारत में 400 साल क्या किया, राज किया, 400 साल क्या किया, राज किया। पूरे कमरों को गुब्बारे से सजा दो, बिना नुक्ता वाला है जो यहाँ पर वो भरा जाएगा। और चोर को 2 महीने की क्या मिली, सजा मिली, नुक्ता वाला सजा, जा। आजकल जमाना बहुत खराब है, नुक्ता वाला जमाना है वो भरा जाएगा। और माँ दही जमाना भूल गई, माँ है जो दही जमाना भूल गई। घास में सांप फन बैठाए बैठा है, घास में सांप है जो फन फैलाए बैठा है, यहाँ नुक्ता वाला फन आएगा, फैलाए बैठा है। और जादूगर है जो अपने फन में माहिर है, जादूगर है जो अपने फन में माहिर है। इस प्रकार हमने जो कार्यपत्रक एक है इसको हमें भरना है। अब देखिए कार्यपत्रक तीन में क्या है, पानी के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। यहाँ आप भी अपने अनुसार लिखते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने क्या लिखा है, जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकते और वह क्या होंगे, मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित रहना उतना ही आवश्यक है, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। खेत में ऐसी कई सारी फसलें हैं जो पानी के द्वारा ही संभव हो जाती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन, धान, चना, सरसों, जी का है पानी के द्वारा ही संभव है। जल का हमारे मानव जीवन में इस प्रकार
महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकती या जीवन हमारा संभव नहीं है। ये हमने क्या लिखा है, जल का महत्व बताया है। इसके आगे है जो कार्यपत्रक पाँच, कार्यपत्रक पाँच में क्या दिया है, पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या कहलाते हैं, अब आप बताइए। जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो, मतलब एक शब्द से अलग अलग शब्द से एक ही शब्द की क्या हो, एक ही अर्थ वाले शब्द की प्राप्ति हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है जैसे कि आप बादल का दिया है, बादल को क्या बोलते हैं, मेघ है। मेघ मतलब बादल, घनघोर वर्षा हो रही है, घन मतलब क्या होते हैं, बादल। जलधर, जल को धारण करने वाले जलधर कहलाते हैं। नीरद, नीरद मतलब भी बादल कहलाते हैं। कौन जलद हैं जो, इनको भी क्या बोला जाता है, बादलों को जलद कहा जाता है। इस प्रकार है जो तीन तीन पर्यायवाची हमें लिखना है। देखिए पहले जल का, जल को क्या बोलती है, नीर, और पानी, बारी, अमृत। अमृत हमने यहाँ पर चार पर्यायवाची लिख दिए, नीर, पानी, बारी और अमृत, ये जल की पर्यायवाची हैं। बादल के ऊपर ही लिखी थी मेघ, जलधर, घन और नीरद, ये बादल की हो गए। अब देखिए भोर, भोर मतलब क्या होता है, सवेरा, सुबह का जो समय है वो उसे बोलते हैं प्रभात या प्रातः, सूर्योदय, ये भोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। सूर्य, सूर्य को सभी जानते हैं, सूर्य है जो, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रवि। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रवि। भास्कर और दिनकर, सूर्य के पर्यायवाची रवि, भास्कर और दिनकर। समुद्र, समुद्र, जलधि, जलधि, सागर, समुद्र क्या बोला जाता है, सागर। नीर निधि, नीर निधि। हवा, हवा की पर्यायवाची में क्या आएगा, वायु, हवा बोला जाता है वायु को। समीर, पवन। नदी, नदी के पर्यायवाची में तरणी, सरिता और तटनी। नदी की पर्यायवाची में क्या आएगा, तरणी, सरिता और तटनी। बरसात, बरसात, चौमासा, बरसात को क्या पर्यायवाची है, चौमासा, बारिश और वर्षा ऋतु, चौमासा, बारिश और वर्षा ऋतु। इस प्रकार हमने जो कार्यपत्रक कौन सा है, पाँच, ये भी हमने पूरा कर लिया। कार्यपत्रक छः है, छः में क्या करना है, छः में देखिए यहाँ पर विलोम शब्द, जिस शब्द से किसी दूसरे मतलब विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, अंधकार और प्रकाश, ये कैसे हैं, विलोम है। अज्ञान और ज्ञान एक दूसरे के ऐसे उल्टे शब्द हैं, तो उनके अर्थ जब उल्टे निकलने लगे तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, दिन अलग होता, रात अलग होती। अब यहाँ देखिए धरती, आकाश, लाभ, हानि, रात, दिन, जीवन, मरण, सदुपयोग, दुरुपयोग, पुण्य, पाप, देश, विदेश, ये कैसे एक दूसरे के हैं जो अलग उल्टे अर्थ निकल रहे, बिल्कुल विरोधी। बुझाना को जलाना, ये कैसे विरोधी शब्द, विलोम शब्द कहलाते हैं। अब इनके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं, आप वाक्य में प्रयोग और भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ हमने आपको समझाने के लिए कर दिया। जैसे धरती का देखिए विलोम शब्द क्या हमने बनाया वाक्य में, धरती का जो विलोम होता है आकाश। अब विलोम शब्द इनका वाक्य में प्रयोग, धरती पर 71% क्या है, जल है। लाभ, दुकानदार हमेशा लाभ कमाने की सोचता है। यहाँ देखिए रात में आकाश में चंद्रमा हमें दिखाई देता है, वाक्य में प्रयोग कर दिया। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा, मरण। व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, जीवन का वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। सदुपयोग का, वस्तुओं का सदुपयोग हमें करना चाहिए, सभी वस्तुओं का करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। पाप का विलोम क्या होगा, मतलब पुण्य का विलोम क्या होगा, पाप, और पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य। व्यक्ति पुण्य और पाप क्या करते हैं, दोनों करते हैं। देश विदेश, भारत के देश विदेशों से अच्छे संबंध हैं। बुझाना, रात में दीपक
बुझाना नहीं चाहिए, दीपक रात में नहीं बुझाना चाहिए। इस प्रकार हमने क्या किया है, जो वाक्यों में प्रयोग है वो हमने कर लिया है। और जो पानी रे पानी पाठ है उसके हमने प्रश्नों को भी हल लिख लिया है। आप सभी को क्या करना है, इनको याद कर लेना है। इसके आगे के जो पाठ हैं उनके उत्तर हम अगले वीडियो में लिखेंगे, देखेंगे।